आया हूँ घूमने के लिए उस जगह पे, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ से कोई दूर पे और समुद्र है जो काफ़ी बड़ा है और पसीदा है, टेबल कुर्सियाँ बनाई गई हैं जिसपे लोग फैमिली के साथ बैठ के अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हैं, यहाँ का आनंद ले रहे हैं। शाम होने वाला है, ये 4 बजे अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। खूबसूरत है ये जगह, सीढ़ियों से उतर के काले पत्थरों के पास समुद्र का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारा बालू है, तब भी बहुत सारे काले पत्थर हैं, कुछ नाव है, यहाँ भी कुछ लोग काई सर्फिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं यहाँ का समुद्र कुछ ऐसे है। यहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें नहीं है, काफी शांत है पानी। वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पंखे दिखाई दे रहे हैं जो विंड पावर है, पास बिजली बनता है उस जगह पे, शायद ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए उसको कुछ मछलियां और क्रेबीज पकड़ते हैं, वो एक जाल की तरह है और उन पत्थरों के बीच में कुछ काली काली मछलियां दिखाई दे रही है। वहां पे दूर विंड पावर स्टेशन दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पंखे हैं, वहां पे हवा से बिजली बनता है और इस तरफ है एक पुल जो काफी खूबसूरत है। दोस्तों अभी मैं आया हूँ एक जगह पे घूमने के लिए जो मॉरिशस में रोशनुआ नाम से जाना जाता है। रोशनुआ एक फ्रेंच शब्द है, हिंदी में कहें तो काला पत्थर। जगह पे घूमते हैं थोड़ी देर, काफी जंगल है, जंगली फल देखने को मिला है यहाँ पे, देखिए केल के पेड़ है इस तरफ। ऊँच तक रास्ता जाता हुआ काफी लोग यहाँ एक संकट है आए हैं देखने के लिए, गाड़ियाँ हैं। समुद्र के किनारे देखने में बादाम के पेड़ की तरह दिख रहे हैं ये,
काफी दूर पे है, तो दो जिसका बहुत लगा हुआ है यहाँ। छोटा सा रास्ता है फ्रंट समुद्र पे जाने के लिए। बहुत सारे काले कबूतर, जैसे नाम है रुश वॉन से ही जगह है। बहुत सारे काले कबूतर हैं और यहाँ पे बजरंग गली की देखने को मिलेगी। जय बजरंग गली, थोड़ा सा ऊटी है, टूट गया है क्योंकि समुद्र के किनारे रख दिया गया है। कहें तो ज्यादा साफ तो नहीं है, बहुत सारे समुद्री घास है यहाँ पे। वहाँ ऊपर पार्किंग बैठे हैं वहाँ पे, और एक जो एक छोटा सा कुत्ता है ताकि मर गया है वहाँ पे है, देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये और नहीं कैसे वो मर गया, मिट्टी में दफनाना चाहिए, नहीं तो कुछ मछलियाँ खाएंगी और फिर कुछ लोग मछली पकड़ेंगे, फिर वो लोग मछली को खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। बड़ी बड़ी लहरें ये भी उससे पहाड़ के पास में है। कोशिश में काफी पूजा प्रार्थना किया जाता है, तो यहाँ भी मूर्ति रखा हुआ है वहाँ पे, वो बैठ रहे हैं इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। किनारे के बीच में भी कुछ पर्वत है, वहाँ पे काले काले पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे कोई कुर्सी लगा के भी बैठ समुद्र का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ पत्थर ऐसे दिखेंगे लहरों से
काले पत्थरों के बीच में सफेद पत्थर भी देखने को मिलेंगे। देखिए सफेद पत्थर थोड़ा कम है, काले बहुत ज्यादा है। और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, काले पत्थरों पे दिखाई दे रहे हैं। सारे हैं उनके घर, देखिए कितने खूबसूरत लोगों के घर हैं समुद्र के किनारे। और कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं जो यहाँ घूम रहे हैं, पानी में ही टहल रहे हैं। और इन लहरों से टकरा टकरा के देखिए ये जो काले पत्थर हैं ये कैसे हो गए। काले काले केकड़े ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक कितना काला है ये छोटा, इतना बड़ा वहाँ भी एक मूर्ति है, देखिए सफेद कलर की मूर्ति जो दिखाई दे रही है वहाँ पे, वहाँ भी एक मूर्ति है। काफी मूर्तियाँ समुद्र में आ जाती हैं। तो कुछ कुछ जो मूर्तियाँ हैं मिट्टी की हैं और कुछ मूर्तियाँ जो काफी मजबूत हैं, इसलिए वो पानी में और पानी की लहरों से नहीं पिघलती हैं, वो किनारे रहती हैं।